डिस्टर्ब ना करे भाई। हेलो वेलकम गजनी माइंड गजनी माइंड भी तो भाई अभी से रिवील करते हैं भाई, मैं पर्दा डाल के रखा हुआ था कि आप लोगों को पता ना चले। तो मैं कुछ इस तरीके से इतना लंबा मेरा फिश का घर बनने वाला है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप लोग, तो स्वागत है आपका हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। तो गाइस आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, पर उससे पहले ये देखो मेरे फिशेस, और अभी देख सकते हो इसका खाना तो पूरा खत्म हो ही गया है, आपको पता ही है। और अभी मैं क्या खिला रहा हूँ भाई, इसको बॉइल्ड एग में खिला रहा हूँ और काफी अच्छे तरीके से खा रहे हैं। अब आप सोच रहे हो कि मैं खाना इसका क्यों नहीं ला रहा हूँ, तो भाई उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि आपको पता ही है छत पे मेरा एक फिश का घर बनने जा रहा है, और मैंने जो भी उसका सामान का, जो जरूरत का सामान होता है वो मैं लेकर आया हुआ हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आपने थंबनेल तो देखा ही है, थंबनेल किस टॉपिक पे ये वीडियो होने वाला है कि मैंने अभी तक अपने यूट्यूब करियर में कितना रुपया स्पेंड कर चुका है, मतलब कितना खर्चा कर चुका है, और मेरे पास क्या क्या एक्सेसरीज है, क्या क्या गैजेट है, जिससे मैं अपना ब्लॉग या फिर कोई भी वीडियो आवाज रिकॉर्ड ये सब सारा कैसे मैं करता, तो सारा मैं आज को आपको दिखाने वाला हूँ। और सच बोलूं तो भाई बहुत सस्ता, मैंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है। बहुत सारे ये गलती करते हैं भाई, महंगा महंगा कैमरा, बहुत सारा महंगा महंगा माइक खरीद लेते हैं, ट्राइपॉड खरीद लेते हैं महंगा महंगा, और उनके चैनल पे अच्छे से मेहनत नहीं करते और व्यूज नहीं आते, लास्ट में जाकर सारा पैसा बर्बाद होता है। तो वो नहीं करना है गलती, जो जरूरत का सामान है वही सबसे पहले लेना है। तो चलो सबसे पहले चलते हैं अपने स्टूडियो में ऊपर, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो भाई मैं अपने छत पर आ चुका हूँ और ये रहा स्टूडियो, अब इसका गेट खोलते हैं और मस्त अंदर चलते हैं। तो भाई सामने जो देख रहे हो वही हो सारा ऐसे सीरीज मेरा, मैंने छुपा कर रखा हुआ है भाई, पहले दिखा दूंगा तो आप लोग तो छोड़कर भाग जाओगे शाबाश, क्योंकि आप लोग तो मेरे वीडियो फुल वॉच करते नहीं हो भाई, आधा में चल जाते हो और उसके कारण मेरे वीडियो का रेपुटेशन खराब हो जाता है और यूट्यूब उसको वायरल नहीं करता। तो भाई प्लीज मेरे वीडियो को पूरा देखा करो भाई, बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ। बात तो सही है। तो भाई अभी देख सकते हो यहाँ पर सारा मतलब कबाड़ वगैरह बड़ा फेंका हुआ है, और ये लाइट रहा जो कि यहाँ पर सीधे मार रहा है, और ये देखो ये है मेरा सेटअप, मैंने किस तरीके से सेटअप बनाया भाई वो देखो। पहले देख सकते हो पूरा, ये देख सकते हो रूम मेरा पूरा मतलब बिना प्लास्टर का है, ये ऐसे ही है, सिर्फ इतना ही मैंने करवाया है। और इतना क्यों करवाया था, क्योंकि भाई पता है फैमिली का अभी सपोर्ट नहीं मिलता है भाई, जबरदस्ती जो भी कर रहा हूँ अपने क्या कहते हैं जिद से कर रहा हूँ भाई, कि चलो कुछ करके दिखाना है, फैमिली को बिलीव दिलाना है कि नहीं यूट्यूब से भी कोई कुछ कर सकता है। तो भाई उसके लिए मैं पैसा सेव करके मैंने ये बनवाया था, और इसका पूरा वीडियो अपलोड है भाई, सीरीज बाई सीरीज करीब 4-5 वीडियो मैंने अपलोड किया था शुरू से वर्क करते हुए, कैसे इस पे सीमेंट हुआ था, कैसे पुट्टी किया था, पेंट किया था, बहुत लाइट वाइट लगाया था, सारा का वीडियो अपलोड है भाई, तो जाकर देखना जरूर, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और ये देख रहे हो ना, मात्र 2000 से 2500 का सेटअप बना हुआ है, मात्र 2000 से 2500 का। और ये गिटार मत लेना उसमें भाई, गिटार साइड से कर दो, ये मैंने ऐसे ही शो के लिए रखा हुआ है, कोई बात नहीं। और ये भी मैंने पापा से जिद करवा कर लिया था, और यहाँ पर ये सब भाई होममेड मेरा खुद का बनाया हुआ लाइट है। और आपको पता है इंडियन फैमिली ऊपर सामान कैसे रखा जाता है, तो आपको पता ही होगा। तो भाई अब वो गजनी मैन को बुला रहे हैं, मेरा जो कैमरा मैन है गजनी भाई को बुला रहे हैं, तो वो आ रहा है, उसके बाद कैमरा मेरा पकड़ता है, उसके बाद मैं इसको अनबॉक्स दिखाता हूँ, पर्दा हटाता हूँ भाई, पर्दे के पीछे क्या है तो भाई हटाकर आपको दिखाता हूँ। तो भाई मस्त, तो भाई फाइनली गजनी मैन आ चुका है, तो आते हैं, गेट में लॉक कर देता हूँ ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे भाई। हेलो वेलकम गजनी मैन, गजनी मैन विद कैमरा मैन मेरा आ चुका है। टोपिया खोल दो भाई, तुम्हारा डिमांड बहुत ज्यादा है, बहुत सारा। अरे भाई चोट लग गया पैर में भाई, इसको पहले लॉक कर देते हैं। तो भाई तुम्हारा काम क्या है, पगार वगार अच्छा से मिल रहा है ना, तो चलो पकड़ो, रिकॉर्डिंग ऑन है, गजब बेइज्जती है। तो भाई अभी से रिवील करते भाई, मैं पर्दा डाल के रखा हुआ था कि आप लोगों को पता ना चले, देख सकते हो मैं इतना सारा ही गैजेट मात्र यूज करता हूँ भाई, देख सकते हो एक ट्राइपॉड हो गया, एक ट्राइपॉड ब्लॉगिंग ट्राइपॉड हो गया, इसमें जो कैमरा ये शॉटगन माइक होता है ब्लॉगिंग के लिए वो रखे हुए हूँ, और ये उसका डब्बा है भाई इसका, और ये बोया का जो कि सबका पहला प्यार होता है भाई, बोया BYMN माइक्रोफोन उसका भी डब्बा रखा हुआ हूँ, और ये रहा ट्राइपॉड जो कि सस्ता में स्टेशन के साइड में मिल जाता है 250 रुपए भाई, वो मैं यूज करता हूँ, कुछ एक्सपेंसिव चीज नहीं यूज करता हूँ। तो भाई अब बता देता हूँ मेरा अभी तक मैंने यूट्यूब में कितना खर्च किया है, तो आप मोटा मोटी पीछे जो देख रहे हो सेटअप उसमें आपको 2500 रुपया लगा लो,
अप्रोक्स 2500 रुपीज आप लगा लो भाई। अच्छे से आ रहा है कैमरामैन मेरा फेस? कैमरामैन नहीं है हम, गजनी भाई। अच्छे से आ रहा है? हाँ आ रहा है। आ रहा है ना? हाँ ये कर लो पहले, ऑडियंस को शिकायत नहीं होना चाहिए। बात सही है। और ये सब भाई जो देख रहे हो ना, ये सब दोस्त वगैरह से मांग के लाया हूँ, और ये भाई मम्मी से मार खा के जबरदस्ती यहाँ लगवाया हूँ भाई, क्योंकि पैसा तो आपके भाई के पास उतना है नहीं। और अभी ऊपर भी कुछ कांड किया मैंने छत पे, तो वो भी दिखाता हूँ, पहले इधर देख लो। और ये भाई सबसे पहला प्यार जो कि 700 में करीब लिया था, तो 2500 का ये हो गया और 700 का ये हो गया। फिर आ जाते हैं ये मैंने ट्राइपॉड लिया था अप्रोक्स करीब 300 रुपीज में लिया था ट्राइपॉड। और हाँ, सारा ऐसे सीरीज का भाई रिव्यू अपलोड है मेरे चैनल पर, तो जाकर देख सकते हो अच्छे तरीके से, सारा का मैंने डिटेल्स में रिव्यू बनाया हुआ है। तो ये हो गया बोया का भाई। फिर ये मैंने जो ट्राइपॉड लिया था, ये ट्राइपॉड के साथ नहीं आया था, ये सिर्फ आया था, तो ये मैंने ट्राइपॉड लिया था 300 रुपीज में, जो कि अगारो का है। और भाई वहां डिजिटेक का भी आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आपको 150-200 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, तो फालतू में पैसा क्यों बर्बाद करना जब मुझे सस्ते में ही अच्छा चीज मिल रहा है। तो भाई मैंने ये 300 रुपीज में लिया था, और इसका भी रिव्यू अपलोड है मेरे चैनल पर, तो जाकर देखना जरूर। उसके बाद भाई ये रहा ट्राइपॉड, तो ट्राइपॉड मैंने स्टेशन के साइड से लिया था, और आई थिंक मैंने नहीं लिया था भाई, मेरे भैया ने लिया था, तो मैं उसी का ट्राइपॉड यूज कर रहा हूँ। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो माइक, ये जो आप देख रहे हो ये एक्सट्रीम अकोस्टिक का माइक है भाई, और इसका भी रिव्यू अपलोड है मेरे चैनल पर, और इन दोनों का कंपैरिजन भी अपलोड है, तो जाकर देखना जरूर भाई। ये मैंने लिया था 900 में, और वैसे आपको ये 1300 में मिलता है, बट मुझे ऑफर में 900 में मिला था। तो भाई आप कैलकुलेशन कर लेना, 2500, 700, 900, और इधर 200-250 आप इधर कर लेना बस। मैं इतना ही अभी तक खर्चा किया हूँ, और सच बोलू ना तो अधिकतर मैं यही यूज करता हूँ, ये माइक भी उतना यूज नहीं करता हूँ। अगर आप इसे स्किप कर दोगे, अगर नहीं भी लोगे, अगर ये माइक लेते हो, तो भाई आपका सारा चीज फुलफिल कर देगा। तो भाई आप अपने देख सकते हो कितना मेरा स्पेंड हुआ अभी तक, और मैं ज्यादा तो ऐसे सीरीज यूज करता नहीं हूँ। और अब फाइनल दिखाते आपको छत पे क्या कांड मैंने किया है। तो गजनी भाई चले ऊपर, चलिए चलते हैं भाई। छत पे जा रहे हैं, छत पे मैंने क्या कांड किया हुआ है, मैंने क्या लाया था, और पता ही आपको फिश का घर में बना रहा हूँ, तो उसके लिए सामान लाना जरूरी है। तो भाई जैसे जैसे मुझे पैसा मिल रहा है, पैसा मैं सेव कर रहा हूँ, उस तरीके से मैं सामान ला रहा हूँ। तो गजनी मैन प्लीज मेरा कैमरा पकड़ो भाई, ये देख सकते हो ये मैंने लाया आज सुबह सुबह ही मार्केट जाकर, हम और ये गजनी मैन दोनों मिलकर लाए थे। और ये किस लिए लाया, क्योंकि इसी में मैं फिश का घर बनाने वाला हूँ, और मैं यहाँ पहले सोचा था क्या कि पहले मैं थोड़ा ईट सीमेंट से बनाऊंगा, बट मैं नहीं बनाया इसलिए क्योंकि जानते हो ये छत है, और छत हमेशा पानी से गीला रहेगा, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगा भाई फ्यूचर में चल के, तो इसलिए मैं वो यूज नहीं कर रहा हूँ। और घर से भी डांट सुनने के लिए मिल सकता है, तो इसलिए मैं ये गया मार्केट। और फिश मार्केट आप कहीं जहाँ फिश मिलता होगा आप वहाँ से जाकर ला सकते हो। ये करीब मुझे 30-30 रुपया में दो मिला है, तो 60 रुपया, तो अभी तक मैंने सिर्फ 60 रुपया ही खर्चा किया है। ये मैं यहाँ लगाऊंगा भाई, देख सकते हो मैं कुछ इस तरीके से, इतना लंबा मेरा फिश का घर बनने वाला है। और ये जो बीच में देख रहे हो ना, इसको मैं कट करके और इन दोनों को मैं ज्वाइंट कर दूंगा, वाटर सील टाइट कर दूंगा, उसके बाद फिर इसमें मैं बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स जो कि पानी में रहते हैं उस तरीके के मैं प्लांट्स वगैरह लगाने वाला हूँ। तो भाई ये सीरीज काफी ज्यादा मस्त होने वाला है, और इस पे अब रेगुलर वीडियो आपको मिलने वाला है, तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लो। और सच बता रहा हूँ मैं 200-300 रुपये उतना भी नहीं खर्चा होगा भाई, उससे कम सिर्फ आपका खर्चा करना पड़ेगा फिश के ऊपर, जो आप फिश यहाँ रखोगे बस उस पर आपको मेनली खर्चा करना पड़ेगा, बाकी ऐसे में 100-150 में एकदम जुगाड़ बैठा दूंगा भाई, वो आपको ब्लॉग में आगे पता चलते ही रहेगा। तो भाई ये देखो ये मैंने अभी लाया है, और आज ही से ही काम शुरू हो जाएगा। तो भाई कैमरामैन गजनी ब्रो, तो भाई देख सकते हो कितना ज्यादा आपका भाई मेहनत कर रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि मेरे चैनल को लाइक और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। तो भाई आई होप आपको ये ब्लॉग काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं और इस ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ अपना सपोर्ट बनाइए रखिएगा, क्योंकि आप सभी यूट्यूबर को प्यार देते हो, तो भाई मुझे देने में क्या जा रहा है, मुझे भी दे दो भाई, मेरा भी घर वर चल जाएगा। तो मिलते हैं और इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।